हेलो दोस्तों, आजकल ऐसी जो लिरिक्स वाली वीडियोस हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और आपने भी इंस्टा पर या किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसी वीडियोस ज़रूर देखी होंगी। और ऐसी जो वीडियोस हैं लोगों को ज़्यादा पसंद भी आती हैं, तो इस पर मिलियंस में व्यूज़ भी आते हैं। आप देख सकते हैं 2.4 मिलियन और इन पर इतने ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स भी आते हैं। तो अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाकर इंस्टा पर या किसी सोशल पर अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एडिटिंग सिखाने वाला हूं, और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप VPN कनेक्ट कर लीजिए, और उसके साथ ही जो कैपकट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर लेना। और कैपकट ओपन करके इसमें न्यू प्रोजेक्ट में अपने पिक ऐड कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रेशो आपको एडजस्ट करना है और इंस्टा वाला साइज आपको क्लिक कर देना है। और अब आप पिक पर क्लिक कीजिए और दोनों उंगलियों से इसे ऐसे जूम कर दीजिए, ठीक है। और इस क्लिप को ऐसे खींचकर इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें यहाँ पर एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए और इस पिक की जो ब्राइटनेस है उसे कम कर देना, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दीजिए, और जो इसके कलर्स हैं उसे भी आप कम कर देना, ठीक है। और इसके बाद अब आपको इसमें ओवरले वाला ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। और एक लाइनिंग वाली पिक है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके इसे ऐड कर लीजिए, और इसे फुल स्क्रीन तक ऐसे जूम कर देना, और इस क्लिप को भी आप खींच कर एंड तक कर दीजिए। और अब हम इसमें जो ब्लर वाला इफेक्ट है वो ऐड करेंगे, उसके लिए आपको इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स में, यहाँ लेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आपको ब्लर वाला इफेक्ट मिल जाएगा, इसे ऐड कर लेना और इसे एडजस्ट करके इसे थोड़ा कम कर देना है। ये देखिए थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट हम रखेंगे, और इसे वीडियो के एंड तक लगा दीजिए। और इसके बाद आपको इसमें एक और पिक ऐड करनी है, तो ओवरले में आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लीजिए। और अब आपको इस पिक को क्रॉप कर लेना है, ये देखिए 1x1 साइज में मैं इसे क्रॉप कर रहा हूँ, और इसे ऐसे थोड़ा जूम करके फुल स्क्रीन तक कर दीजिए। और अब आपको इसके बाद मास्किंग वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से मास्किंग जैसे मैं कर रहा हूँ आपको भी ऐसे ही सेम करना है। ये देखिए हमारे पिक यहाँ तक है, तो इसे यहाँ तक करके और इसे हल्का सा ऐसे ब्लर कर देंगे। और इसके बाद हम वीडियो की स्टार्टिंग में जो लेंस ब्लर वाला इफेक्ट है उसे ऐड करेंगे, तो इफेक्ट्स में जाकर ओपन एंड क्लोजिंग वाले में आपको ये ब्लर मिल जाएगा, इसे ऐड कर लेना। और यहाँ ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और ओवरले पर क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखिए इसमें ब्लर वाला इफेक्ट है जो वो भी लग जाएगा। और इसके बाद हम वीडियो को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए ओवरले ऐड करेंगे, और यहाँ पर आपको एक येलो पिक ऐड कर लेनी है। आप चाहे तो इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में उसको जूम करके फुल स्क्रीन तक लगा लेना, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं येलो कलर। इसके बाद येलो कलर पर क्लिक कीजिए, और इसमें ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में जाकर हम इसे ब्लेंड करेंगे, तो यहाँ पर कलर बर्न, और ये देखिए इसको अपने अकॉर्डिंग कर देना, 30 के करीब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये देखिए। और इसके बाद अब हम इसमें म्यूज़िक ऐड करेंगे। और दोस्तों जिस भी म्यूज़िक से आप वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर पहले से ही काफ़ी क्रिएटर्स उनके लिरिक्स वाली वीडियोस डाल देते हैं, आप वहां से भी उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं या फिर खुद भी लिख सकते हैं। तो मैं लिरिक्स ऐड कर देता हूँ, इसे भी आपको ब्लेंड कर देना है, और यहाँ से फिल्टर, और इसको ऐसे साइड में रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आप वीडियो में थोड़ा शेक वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्ट्स पर आप क्लिक कीजिए, वीडियो इफेक्ट्स, और इसमें आपको शेक इफेक्ट मिल जाएगा नाइट क्लब वाले सेक्शन में,
ये देखिए काफ़ी शेक इफ़ेक्ट्स हैं, मैं हल्का सा शेक वाला इफ़ेक्ट लगाने वाला हूँ और इसको भी आपको ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और जो हमारी पिक है मैं इस पिक पर ये इफ़ेक्ट लगाने वाला हूँ। क्लिक कर देते हैं और इसे वीडियो के एंड तक कर दीजिए और हमारी वीडियो बनके तैयार हो गई है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। जैसी आपने इंट्रो में देखी थी वैसी ही वीडियो बन चुकी है। अब आप इसे सेव कर लीजिए और फिर आप इसे जहाँ चाहें अपलोड कर सकते हैं।